हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। आप दोनों रोहन लोगों के प्रणाम। हम हैं सोनी पटेल और बहुत अच्छा बानी, बताएं। नमस्कार, मैं हूँ साइना सिंह और मैं भी बहुत हॉट हूँ। ऐसा कहते हैं कि दो लड़कियां जब मिल जाती है तो किसी का भला नहीं होता। ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी किसी का बहुत ज्यादा भला हो जाता है, अगर पॉजिटिव सोचे तो। आई थिंक किसी का भला हो ना हो, हम दोनों का भला तो हो रहा है। बिल्कुल सही, किसी का हो ना हो, हम दोनों का भला होता है। और मैं पूरी तरह से एग्री हूँ कि भले आज कलरफुल टीवी का जमाना है, बट हम ब्लैक एंड व्हाइट बहुत हैप्पी हैप्पी हैं। ये जो जोड़ी है दुष्टों वाली, ये ऑन स्क्रीन ही है या ऑफ स्क्रीन भी है? कैमरे के पीछे भी ऐसे हो आप दोनों? नहीं, हम लोग अगर देखा जाए तो कैमरे के पीछे इससे भी और बेटर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी तो थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ रहा है। नहीं नहीं, हमारी केमिस्ट्री एक्चुअली फिल्मों में उतना बेटर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत कम फिल्में साथ में की हैं, बट बैक स्टेज बहुत जबरदस्त है। साथ में रहना, उठना, बैठना, आई थिंक मस्ती करना। सो जी जी बिल्कुल जी। फिल्म के सेट पर कैसे होते हो आप दोनों? फिल्म के सेट पे एक्चुअली जब होते हैं, हाँ, ओके, दी, ओ, फाइन, ओके। हम लोग फिल्म के सेट पे होते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं। और बहुत पहले एक फिल्म की थी मैंने इनके साथ, लेकिन नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि जो आई नहीं उसका नाम लेके क्या फायदा। लेकिन बहुत हम लोगों ने मस्ती किया था और अभी मैं चाहती हूँ इनके साथ फिल्में करूँ। फिल्में कितनी करूँगी ये मुझे नहीं पता, पर हमारी केमिस्ट्री मतलब पर्दे के पीछे जो है बहुत अच्छी है, और भगवान करे हमेशा ऐसे ही बनी रहे। हम घूमने गए थे बाहर, यू नो, बहुत जगह डिस, पब, ये वो, मस्ती करते, केक खाए हम लोगों ने फ्रेंडशिप डे पे। हम दोनों ने केक काटे कि हम लोग हमेशा ना ऐसे ही दोस्ती बनी रहेगी। कभी कोई कॉल्ड वॉर होता है आप दोनों के बीच में? नहीं हो सकता ना, अच्छी दिख रही है, मैं क्यों नहीं दिख रही हूँ? नहीं, ये तो हमेशा मुझे कहती है, ए औरत सुनो इधर, ए बुड्ढी सुनो इधर। मतलब माइंड नहीं करती, रोड माइंड, मेरी बहुत प्यारी सी गुड़िया है, ये बहुत प्यारी है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस इनको बोलती हूँ ए औरत थोड़ा सा पतली हो जा। नहीं, बहुत अच्छी है वो, जो भी बोलेंगे मतलब मेरे सर आंखों पे बहुत प्यार से बोलती है, और मुझे हर बात इनकी अच्छी लगती है। आई डोंट माइंड, कोई भी बात को माइंड नहीं करती। नहीं नहीं, मैं भी माइंड नहीं करती, क्योंकि ये मुझसे मुझे हमेशा सजेशन देती हैं जो मेरे भलाई के लिए होता है, क्योंकि ये मुझसे पहले से इंडस्ट्री में है और आई थिंक मुझे 1-1.5 साल हुआ भी इंडस्ट्री में आए हुए, तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि ये मेरी यू नो फ्रेंड है, जो भी है, वॉट एवर, सब कुछ मेरे लिए अभी मुंबई में फिलहाल तो यही है। आप दोनों हमेशा साथ में घूमने भी जाते हो? हाँ, हम लोग। ऐसा होता है कि एक ही लड़का दोनों को पसंद आया हो? नहीं, मेरी पसंद इनको पसंद नहीं आती और इनकी पसंद मुझे पसंद नहीं आता। मुझे आता है वो पुराने, अब इनको नए आएंगे तो मुझे आता है ना, एक ये सब है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो ऐसे वाले हीरो। आपको? मुझे आज के टाइम के मेरी अभी जस्ट मेरी फिल्म सितंबर में रिलीज हो रही है, अर्धांगनी, जिसमें है हीरो सूरज सम्राट, जो उनकी सेकंड मूवी है, और उसमें डायरेक्टर है सूरज सिंह राजपूत। और मतलब क्या बताऊँ, फर्स्ट बार काम किया उसमें, सूभी जी हैं, अंजना जी हैं, और मैं अंजना जी की बड़ी बहन का कैरेक्टर निभा रही हूँ उसमें। और काम करके इतना अच्छा लगा ना कि सेट पे मुझे लगा कि जैसे अपने परिवार के साथ हूँ। और स्टोरी तो इतनी अच्छी है, आप टाइटल से ही जान सकते हैं कि नाम है अर्धांगिनी, तो कितनी अच्छी होगी। बहुत अच्छी है, पारिवारिक है, एक्शन है, कॉमेडी है, संजय वर्मा जी मेरे मतलब उनके अपोजिट मैं हूँ, तो बहुत अच्छी फिल्म है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और हाँ, संजय बॉलीवुड जी जो है, जिनका मैगजीन है संजय जी, उन्होंने इस फिल्म को बहुत अच्छे से एकदम मतलब बनाने में बहुत मेहनत की है, तो बहुत अच्छी फिल्म है। और उसके और उसी समय एक और फिल्म मेरी आ रही है, मिस्टर नौटंकीबाज, तो उसमें जैसे ये गुंजन जी हैं, सूभी जी हैं, और एक मैं भी हूँ, तो इत्तफाकन मैं उसमें गुंजन जी की सेकेंड हीरोइन हूँ। क्या करूँ, चांस मिल गया। तो ये आप बताएंगी अपने प्रोडक्ट्स के बारे? हाँ, मेरी अभी फिल्म आ रही है जाल, जो खेसारी जी की है, बाबू त्यागी जी उसके प्रोड्यूसर हैं, और तो वो बहुत अच्छी फिल्म है, कुछ अलग है, यू नो, सब एक दूसरे पे जाल फेंक रहे हैं। उसके बाद अभी मैं तुरंत शूट करके आई हूँ कर्जा माई माटी के,
जिसमें आदित्य मोहन दुबे जी हैं, निशा जी हैं, वो फिल्म बहुत ही अच्छी है क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर उस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और स्टोरी भी वही है, तो आई थिंक बहुत अच्छी फिल्म है और बिहार में शूट हुई है। तो अभी 4-5 फिल्में मेरी भी रिलीज़ होने वाली है इसी मंथ, आई थिंक इसी ईयर। सो आई थिंक मैं आप लोगों से प्रे करती हूँ, जो भी मेरे दर्शक हैं, हम रोवा लोग स्प्रे करता नहीं कि प्लीज़ हमारी फिल्म देखी, जैसे और हीरोइन लोग के रोवा लोग प्यार देले बने वैसे हमरों के प्यार दी। और हमारी एक फिल्म और आ रही है पांचाली, तो बहुत अच्छी फिल्म है और प्रमोद प्रेमी जी के साथ पहली बार काम किया है तो बहुत अच्छा लगा काम करके। और राजकुमार पांडे सर की प्रोजेक्ट, ये मतलब तीसरी प्रोजेक्ट मैं कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगा इनके प्रोजेक्ट में काम करके और आगे भी चाहूँगी कि इनकी फिल्में करूँ। तो बस जी, अंजना जी का कल जन्मदिन है, कुछ शुभकामनाएं देंगी आप दोनों? बिल्कुल बिल्कुल, अंजना जी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की, और माता रानी करे भोलेनाथ करके उनको जमाने की सारी खुशियां मिले, मेरे लिए, मेरे तरफ से सॉरी, उनके लिए दिल से दुआ है। बिल्कुल, अभी हम लोगों ने लास्ट एक फिल्म की थी लव एक्सप्रेस, जो अंजना जी के साथ की थी। आई थिंक नेचर वाइज एक होता ना हीरोइन वाइज कि नहीं यार नो सो कॉल्ड आप सेकंड होम लीड हो, ये पार्ट मैं एज ए सुपर स्टार हूँ, तो वैसा उनका कुछ नहीं रहता, नेचर वाइज इतनी स्वीट है। सो अंजना जी हैप्पी बर्थडे, ईश्वर करे आप हमेशा ऐसी ही हॉट केक अंजना सिंह दिखती रहे और ब्यूटीफुल दिखते रहे और आपके परिवार सब ऐसे हैप्पी रहे। थैंक्स, थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.